स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सो फार वी हैव कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल टैक्स विद इन क्विक बुक्स अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि सेल टैक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि हम ये सारा टैक्स मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं वी आर कलेक्टिंग द सेल टैक्स ऑल अदर टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज़ हम अपने पास रखते हैं और पीरियाडिकली ये रीएम्बर्स कर देते हैं हम अपने गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और इस पूरी चीज़ को कंप्यूटराइज करने का वन ऑफ द रीजन्स इज दैट वी नो एंड कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स विच हैज़ टू बी री टू द गवर्नमेंट इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सेल टैक्स कैलकुलेट भी कर लिया है उसकी रिपोर्ट्स भी बना ली हैं ड्रिल डाउन करके भी देख दिया है कि हम कहाँ कहाँ किस किस इन से कितना कितना सील टैक्स ले रहे हैं और किस किस एजेंसीज़ के लिए हमने कितना कितना सेल टैक्स डिटेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है याद रहे कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन बी कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ़ एजेंसीज़ हम ग्रुप की सूरत में भी सेल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल कंपनीज़ के नाम पर भी सेल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका कलेक्टेड टैक्स सही एजेंसीज़ के नाम पे बुक कर देता है अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमने ये जो कलेक्टेड सेल टैक्स है री करना है अपनी सही एजेंसी को याद रहे कि हमारे पास सेल टैक्स की जितनी रिपोर्ट्स हैं वो एजेंसीज़ वाइज इनवॉइस वाइज कस्टमर्स वाइज रिपोर्ट बना लेती हैं और ये भी बता देती हैं कि किन किन इन्वाइस को ऐसी कंपनियों के नाम हमने इशू किया है जो कि नॉन टैक्स है सो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी टैक्स एजेंसीज़ ऑडिट करने के लिए सिर्फ इस रिपोर्ट से ही इस्तेफादा कर सकती है और अगर वो आके हमारे पास फिज़िकली ऑडिट करना चाहे तो हमारे पास इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर ड्रिल डाउन की फैसिलिटी भी मौजूद है जब हम सेल टैक्स इन एजेंसीज़ को पे करना चाहेंगे तो हमारा सिस्टम उसके लिए चेक भी जनरेट कर देता है याद रहे कि बाहर के ममालिक में ये बहुत कॉमन तरीक़ेकार है कि आप चेक भी सिस्टम से जनरेट करवाएं और रिसाल कर दें अपनी टैक्स एजेंसी को हमारे पास आजकल सेल टैक्स के मुख्तफ़ फॉर्म राइज हैं हम वहाँ फॉर्म के ऊपर ये तमाम डिटेल लिखते हैं और उसके साथ वो चालान अटैच करते हैं उस अमाउंट का जो कि हमने गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराया है पाकिस्तान में इस वक्त राइज तरीक़ा थोड़ा सा इससे फ़र्क ज़रूर है लेकिन बाहर के ममालिक में यह सिस्टम इसी तरह है जैसे क्विक बुक्स करता है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तरीक़ेकार हमारे लिए कार आमद नहीं है हमारे लिए भी ये तरीक़ेकार बहुत कारद है क्योंकि हमारे पास सेल टैक्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक ही वक्त में बटन दबाने से आ जाती है आइए देखते हैं कि सेल टैक्स की रिपोर्ट बनाने के बाद किस तरीके से हम इसको पे करें अपने उन एजेंसीज को जिनके बिहाफ पर हमने ये सेल टैक्स कलेक्ट किया लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स जैसे कि आपको पता है कि सेल टैक्स एक इम्पॉर्टेंट जूज़ है हमारे क्विक बुक्स का इसके लिए उसका आइकॉन भी अलहदा से बनाया गया है जिसका नाम है मैनेज सेल टैक्स आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इसके थ्रू एक रिपोर्ट क्रिएट की थी और उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स के बारे में हमारे पास मौजूद थी वो हमने वहाँ लिख दी थी ये रिपोर्ट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ख़ुद क्रिएट की है बेस्ड ऑन ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू इट एज़ पर ऑल आइटम्स अवेलेबल टू इट ऑल सर्विसेस अवेलेबल टू इट एंड द स्टेटस ऑफ आर डिफरेंट क्लाइंट एंड कस्टमर्स इसका मतलब यह है कि जो आइटम्स ऑटोमेटिकली सेल टैक्स एग्जिमटिव है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा जो आइटम या प्रोडक्ट्स या सर्विसेस सेल टैक्स जिनके ऊपर लागू है उस पर ऑटोमेटिकली सेल टैक्स कट गया है और जिन जिन एजेंसी की जितनी जितनी परसेंटेज टैक्सेस हैं हमने उस उस परसेंटेज से वो टैक्स कलेक्ट करके उनके अकाउंट में डाल दिया है ये एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न इज एंड कॉम्प्रीहसिट इसी तरह से जो कंपनियाँ नॉन टैक्सेबल या टैक्स एग्जम्ड है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटा है भले वो सर्विस या प्रोडक्ट टैक्सेबल हो तब भी अब हमारे के पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है ये रिपोर्ट हम चाहें तो प्रिंट कर लें या एक्सेल में डाउनलोड कर लें यह हम पे मुनसर है लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट कॉम्प्रीहेंसिवली मौजूद है और इसने हमारा तमाम का तमाम टैक्स कलेक्टेड भी हमें दिखा दिया है अब हमने ये टैक्स कलेक्टेड जो है वो मुख्तलिफ इधारों को देना है हमने सिर्फ एक अदारे को नहीं देना याद रहे ये टैक्स कलेक्टेड हमने मुख्तलिफ इधारों को देना है जिनके नाम इस रिपोर्ट में आपको नजर आ रहे हैं और उनका अपना अपना टैक्स अलहदा अलहदा इसने कैलकुलेट कर दिया है अब जब ये टैक्स कैलकुलेट हो चुका है सब तैयारी मौजूद है तो हम इसकी पेमेंट कैसे करेंगे इसकी पेमेंट हम करते हैं थ्रू एक चेक के अगर हमारे पास चार इदारे हैं जिनको हमने सेल टैक्स जमा कराना है मुख्तलफ परसेंटेज के ऊपर कटौती करने के बाद तो हमारे पास चार चेक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे प्रोवाइडेड कि उनका पीरियड यही हो और आपके लिए ये बेहतर है कि भले आप उनका टैक्स अभी दें या ना दें उनकी डिटेल ज़रूर प्रिंट किया करें मंथली ताकि आपके पास रिकॉर्ड में ये इंफॉर्मेशन रहे और यहाँ लिखा हुआ है पे योर सेल टैक्स वेंडर्स इन क्विक बुक्स अब ये वेंडर्स का नाम से आप परेशान ना हो मैंने आपको बताया था कि जिस एंटिटी को जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस कंपनी को भी हमने पेमेंट करनी होती है भले वो हमारा वेंडर हो यूटिलिटी कंपनी हो या गवर्नमेंट टैक्स एजेंसी हो क्विक बुक्स में उसे वेंडर कहा जा सकता इसी तरह से जिससे भी हमने पैसे लेने हो उसे हम कस्टमर कहते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी टिपिकल क्विक बुक्स की है अकाउंटिंग की नहीं आइए अब हम जाके टैक्स जो हमने कैलकुलेट किया है उसको पेमेंट का तरीका देखते हैं टैक्स की हमने रिपोर्ट देख ली अब हम देखते हैं कि उस टैक्स को उन मुख्तलि इदारों को उन मुख्तलि गवर्नमेंट एजेंसीज़ को किस तरह से उनको चेक बना के पेमेंट करनी है पे सेल टैक्स जैसे ही आप पे सेल टैक्स करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी जो हमसे पूछेगी कि ये बताएं कि कब तक का आपने सेल टैक्स अदा करना है हमारे पास जो डेट आ रही है वह है इकतीस तारीख की और हम उससे कहते हैं कि हम इस तारीख तक तमाम टैक्स पे करना चाह रहे हैं जैसे ही हमने इसे क्लिक किया हमारे पास तमाम एजेंसीज और उनके अगेंस्ट वाजिब अदा पेमेंट्स की पूरी लिस्ट आ गई है ये टिक मार्क हमें बता रहा है कि हम इसकी पेमेंट करना चाह रहे हैं और जिसकी हम पेमेंट नहीं करना चाह रहे हम उसे क्लिक करके ख़त्म कर सकते हैं अब थोड़ी सी क्लियरेंस के लिए आपको बताता चलो ये वो टैक्स का नाम है जो हमने अदा करना है वेंडर वंस अगेन ये वो एजेंसी है जिसकी खातर हमने ये टैक्स कलेक्ट किया था ये ड्यू अमाउंट है जो हमने उनको देनी है और जो अमाउंट पेड है ये उस कंप्लीट अमाउंट से हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं मिसाल के तौर पे उसको पाँच सौ सैंतीस रुपये अगर हमने देने हैं तो हम कहते हैं हम उसे पाँच सौ रुपए देंगे ये हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमेशा अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरी किया करें इसका मतलब ये है कि आप टैक्स पूरा अदा करें इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास पिछला बचा हुआ टैक्स नहीं रहता और आपको बार बार चीज़ें रिकैलकुलेट नहीं करनी पड़ती दूसरा अगर कोई पेनल्टीज इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा तो इसलिए लगेगा कि आपने पूरा टैक्स अदा नहीं किया पूरा टैक्स अदा करने से ये तमाम लाइबलिटीज़ आपके ऊपर से उतर जाती है और अगर आप इस पे पूरा टैक्स अदा करना चाहें तो आप अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाएं और इसको टिक मार्क कर दें जैसे ही आप उसको टिक मार्क करेंगे उसकी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली अमाउंट पेड में आनी शुरू हो जाएगी और हमने अपनी तमाम लाइबिलिटीज को चेक कर लिया है और हम ये तमाम लाइबिलिटीज अपने इन तमाम एजेंसीज को एज पर द फिगर्स कोटेड इन फ्रंट ऑफ देम हम पे करने के लिए तैयार जैसे ही हमारा ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हम अगर इसे रिव्यू करना चाहें तो इस सिलेक्शन को क्लियर भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम ये सिलेक्शन फाइनल समझते हैं अब हमारे पास ये तमाम पेमेंट्स अगेंस्ट ऑल हेड्स एंड अगेंस्ट ऑल आर एजेंसीज इज़ रेडी एंड चेक्स आर रेडी टू बी प्रिंटेड कैसे करेंगे हम हम कहेंगे ओके वेन वी क्लिक ओके अ पॉप अपियर्स विच सेज दैट आर accounts with all these tax agencies is already paid in advance हमने इनको पहले ही ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं तो हमें मज़ीद पैसे इनको देने की ज़रूरत नहीं है और टैक्स के लिए चेक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको पहले हमने पेमेंट की हुई है लेकिन हम फॉर द परपज़ के आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या है हम एक एजेंसी को देखते हैं जिसे हमें सिर्फ चंद पैसे देने लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके पास हमारे कुछ ना कुछ अकाउंट में पैसे हों ताकि इसे लगे कि इसके बिहाफ पे हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं और सब्सिक्वेंट जितने भी हमारे सेल टैक्स की रिटर्न जाएंगी उसमें ये पैसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते चले जाएंगे तो हम इसको फ़िलहाल हज़ार रुपये एडवांस के तौर पर दे रहे हैं और इसी तरह से जिसके पास हमारे सिर्फ पचहत्तर रुपये जाने थे उधर भी हम एडवांस के तौर पे 75 की जगह 1000 थाउजेंड भेज रहे हैं अब हम इसको प्रिंट करते हैं अब हमारे पास दो चेक प्रिंट हो गए दो मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लिए आइए चेक करते हैं कि ये चेक कहाँ अवेलेबल है हमने अब राइट चेक नहीं करना क्योंकि ये हमने पहले ही कर दिया है जैसे ही हमने ये प्रोसेस किया चेक बन गया प्रिंट चेक पे आएंगे तो हमारे पास वो तमाम एजेंसीज़ जिसको हमने टिक मार्क किया था और अमाउंट्स दी थी वो हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं जैसे ही हम ओके करेंगे इन तमाम के चेक्स क्रिएट हो जाएंगे अब याद रहे कि बाहर ममालिक में ये होता है कि ब्लैंक चेक बुक्स कंपनियों के पास मौजूद होती हैं और जब भी उन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी अपने वेंडर को चेक देना होता है तो वो चेक प्रिंटर में डालते हैं और एज़ पर रिक्वायरमेंट वो चेक प्रिंट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ़ उन्हें ये चूज़ करना है कि कौन से अकाउंट से और कौन से बैंक से ये चेक प्रिंट होना है आपके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि आप बताएं कौन से बैंक और कौन से अकाउंट से ये चेक प्रिंट होना है जो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमारा ये चेकिंग अकाउंट है अब ये तमाम चीज़ें रेडी हैं अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस चेक्स के ब्लैंक डालने अपने प्रिंटर में एंड वी आर रेडी टू गो जैसे ही हम ओके करते हैं हमारे पास प्रिंट स्क्रीन आ जाती है और वो हमसे पूछ लेता है कि आपका किस स्टाइल का चेक यहाँ मौजूद है आपने वो स्टाइल चेक करना है ये आपका बैंक बताएगा कि आपको जो उसने चेक के ब्लैंक्स दिए हुए हैं नंबर जो हैं उनका स्टाइल कौन सा है उसके हिसाब से आपने यहाँ चूज़ करना है और आपने प्रिंट का बटन दबाना है और आपके पास तीन एजेंसीज़ के चेक्स ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाएंगे उसके बीच में कार्बन कॉपी होती है एक चेक आपने हरसाल कर देना है दूसरा चेक आपने अपने रिकॉर्ड में रख लेना है और ये आपका रि एम्बर्समेंट ऑफ सेल टैक्स का एक बड़ा मरहला दैट इज पेइंग योर टैक्स कंप्लीट हो गया आपके पास भी रिकॉर्ड आ गया है एंड योर लाइबिलिटी हैज़ ऑल्सो डिक्रीज सो इन कंक्लूजन नाउ यू सी हाउ यू कैन यूटिलाइज द रिपोर्ट ऑफ सेल टैक्स कलेक्शन एंड हाउ यू कैन जनरेट चेक फॉर योर डिफरेंट एजेंसीज